नमस्कार, मैं हूं मनोज मनुदे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात मध्य प्रदेश की विधानसभा की। मध्य प्रदेश में 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस शीतकालीन सत्र में तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। विपक्ष भी हमलावर है, विपक्ष मतलब कांग्रेस हमलावर है। और चूंकि 15 महीने की सरकार चलने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई, उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आ गई, अब एक साल बाद विधानसभा चुनाव है, शीतकालीन सत्र है। इस शीतकालीन सत्र में 104 पेज का आरोप पत्र तैयार किया गया है। किसे लेकर? बीजेपी की सरकार को लेकर। और वो आरोप पत्र तैयार किया गया है इसलिए क्योंकि कल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होने वाला है, और अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो उसमें ये आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भाग तो नहीं जाएगी, आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए, आप आरोप भी लगाइए, लेकिन जब मुख्यमंत्री सदन में बोलने के लिए खड़े होंगे तो आप भाग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी 15 महीने की सरकार में तमाम भ्रष्टाचार, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, करप्शन के बहुत सारे सबूत हम लोगों के सामने मौजूद हैं। हम अगर अपनी बात रखेंगे तो आप भागना मत, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खतरा और है। कांग्रेस डरी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो 2013 की स्थिति, 2000 उसके पहले की स्थिति, कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के कुछ विधायक उड़कर उधर पहुंच जाएं, क्योंकि हर अविश्वास प्रस्ताव में कुछ ऐसा ही होता है। तो इसलिए कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को रोकने की, संभालने की कोशिश में लगी हुई है, चेकिंग पॉइंट में लगी हुई है। और बीजेपी बड़ी मुस्कुराहट के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव का सामना भी कर रही है। लेकिन देखते हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव में क्या कुछ निकल कर आता है। वाकई क्या कांग्रेस बीजेपी को घेर पाएगी, या फिर बीजेपी कांग्रेस में उल्टा दांव लगाएगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।